हाय फ्रेंड, तो हम लोग सीखने वाले हैं यूट्यूब में पोस्टल वीडियो कैसे लगाने वाला बनाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी खास करके भुवन बम जी ने जो पोस्टल अपना यूट्यूब पोस्टल में जो फोटो लगाए हैं, वो फोटो में को कैसे बनाया जाता है, तो उसको आप देख 3 मिनट में सीख लीजिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग पिक्सल आर्ट को खोलते हैं। पिक्सल आर्ट मेरा ओपन हो रहा है, कि मेरा पिक्सल आर्ट ओपन हो गया है। तो पूरा ओपन होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोग प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हम नीचे जाएंगे, नीचे से कोई भी बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, कोई भी कलर ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो जैसे कि मैं ये ब्लू कलर का ले लिया हूँ बैकग्राउंड कलर, मेरे पास एक बैकग्राउंड का ब्लू कलर का पोस्टर आ गया है, थी पेज आ गया है। उसके बाद हम एक फ़ोटो लेंगे, उसके एक तो फोटो पर जाते हैं, ऐड फोटो पर। हम तो यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं जिसको हमको बनाना है। जैसे कि मैं एक फ़ोटो को ले लिया हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद इसको क्रॉप कर देता हूँ, मैं अभी क्रॉप कर दिया इसको। तो इसे आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ऑलरेडी बैकग्राउंड काटा हुआ था, तो दूसरा फ़ोटो लेना है, तो बस यहाँ से आप कटआउट बटन को दबाइए और कोई भी फ़ोटो रहेगा उसको ऐसे करके आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काट सकते हो। नेट रहेगा तो ऑटोमेटिक भी काट लेता है। इसमें यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा, इसको टच कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसको फ्रेम में काट लेगा। तो अभी हम इस फोटो को काट लेते हैं। चलिए मेरा फोटो कट चुका है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको फोटो को इसे लगा देता हूँ, बीच में रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको कट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉप करेंगे इस साइड में, तो हमको यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है स्पेस मार्क, सैप मार्क है ना, सैप मार्क को टच करते हैं। सैप मार्क को टच किया तो हमको इस टाइप का आइकन दिखाई दिया। तो हमको जितना रखना है लोगों में उतना बस सेट कर लेते हैं, और ऑप्टी को 50% है, इसको 100% पर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइन को ओके कर देते हैं, ये मेरा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ इफेक्ट पर जाते हैं, इफेक्ट को टच करते हैं। इफेक्ट पर जाने के बाद हमको दिखाई देगा, ये देखिए ढेर सारा हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ आर्टिस्ट पर आते हैं, आगे जाने के बाद हमको आर्टिस्ट पाने के बाद हमको यहाँ दिखाई दे रहा है पोस्टर, पोस्टल को टच करते हैं। देखिए मेरा ऑलरेडी बन चुका, बस इसमें और कुछ हम बढ़ाना घटाना चाहेंगे इसका वीडियो लाइन से, या कंट्रास्ट, फीड, ब्राइटनेस, तो सब बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ऑटोमेटिक पकड़ लिया है, सही है। इसके बाद हम लोग ओके कर देते हैं। चलिए मेरा वीडियो फोटो पोस्टल बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ गैलरी में सेव करना चाहते हैं, गैलरी में सेव हो चुका है, यहाँ पर डन कर देते हैं। यहाँ से हम लोग बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज कल के लिए बाय बाय।